तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हम आपके साथ हैं। आज हम स्टार आ जाए हैं अपने एक परम मित्र के यहाँ, जिनका नाम है लाल बाबू भाई। लाल बाबू रॉक डीजे नाम से उनका चलता है गाड़ी, बाजा चलता है, और इनके पास रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। देख सकते हैं, ये इनका पूरा रॉक का सेट है। किसी भी शुभ अवसर पर आप लोग इनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका मिलने का पता है हरिवाड़ी का चौक बेत। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हम आपके साथ हैं। आज हम स्टार आ जाए हैं अपने एक परम मित्र के यहाँ, जिनका नाम है लाल बाबू भाई। लाल बाबू रॉक डीजे नाम से उनका चलता है गाड़ी, बाजा चलता है, और इनके पास रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। देख सकते हैं, ये इनका पूरा रॉक का सेट है। किसी भी शुभ अवसर पर आप लोग इनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका मिलने का पता है हरिवाड़ी का चौक बेत। तो गाइस, चलिए अब हम मुलाकात करते हैं अपने लाल बाबू भाई से। ये लाल बाबू डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, नया नया खुला है, अभी 2 महीना खुला हुआ है। नए नए कलाकार आते हैं, पुराने पुराने कलाकार आते हैं। इस स्टूडियो में 1 साल 2 साल का एग्रीमेंट होता है, जिसमें स्टूडियो में भोजपुरी गाना, हिंदी गाना, लोकगीत और साइड सॉन्ग का भी गाना इसमें रिकॉर्डिंग किया जाता है। हमारे ढेर कलाकार हैं, जैसे संदीप मिश्रा जी एग्रीमेंट किए हैं लाल बाबू स्टूडियो में, और लेडीज सिंगर हैं पूजा सिंह, वो भी 2 साल के लिए एग्रीमेंट हमारे स्टूडियो में की है। और जो भी गाना उनको निकलता है इस स्टूडियो से, नेट पर जाता है LV म्यूजिक प्रजेंट बेतिया से ये गाना रिलीज होता है। बहुत सा गाना रिलीज हुआ है, जैसे छठ माँ का गाना रिलीज हुआ है, दुर्गा माता के भी गाना रिलीज हुआ है, भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग भी रिलीज हुआ है, और साइड सॉन्ग यानी दर्द भरी गाना भी, साइड सॉन्ग उसको कहा जाता है, वो भी रिलीज हुआ है, जिसमें गायक हैं संदीप मिश्रा जी हैं और मनोज लाल यादव हैं और पूजा सिंह लेडीज सिंगर हैं। और मेरे पास रॉक डीजे गाड़ी भी है, बारात उठाती है, बारात लगाती है। और मेरे पास डीजे साउंड, डीजे लाइट, डीजे ट्रस, चैन पुली यानी ट्रस वाला पूरे सिस्टम मेरे पास है। मेरे डीजे का स्टार्टिंग कम से कम जो ट्रस चैनल और वाला जो ट्रस डीजे है, जो 25-30 फीट लंबा है और 15 फीट हाइट है, और उसमें सार्पी लाइट, बार लाइट, एक से एक फिल्मी स्टाइल में लाइट कसा जाता है, जो आप सबको देखने को मिलेगा। 20,000 से 35,000 रुपया चार्ज है इसका, डीजे का। और बड़े से बड़े प्रोग्राम हम करते हैं, जैसे कंपटीशन कव्वाली हुआ, जैसे जलसा हुआ, इज्तमा हुआ, और आपका बड़े से बड़े प्रोग्राम हुआ, जैसे मैं मनोज लाल यादव और आपका बड़े बड़े स्टार नीरज निराला, विनोद बिदर्दी, मुनीलाल परदेसी, पप्पू मिश्रा उज्जवल, जीतू तिवारी, अमित पटेल जो चंपारण के लाल है, बेतिया की धरती से उभरे हुए कलाकार हैं, अमित पटेल जी का भी हम अच्छे से क्वालिटी से, अच्छे ढंग से, आधुनिक ढंग से प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ही लाइफ है और मेरा प्रोग्राम ही जीना मोना है, क्योंकि मैं प्रोग्राम के मास्टरमैन है और स्टूडियो चलाने वाले स्टूडियो ऑपरेटर होते हैं, वो चलाते हैं लेडी सिंगर, जेंट्स सिंगर, जैसे अच्छे अच्छे कलाकार, जो जैसे विनय बिहारी का हम कार्यक्रम करते हैं,
धनंजय धड़कन का कार्यक्रम करते हैं, शशि लाल यादव और मीठू मार्शल का भी हम कार्यक्रम करते हैं। मैंने अच्छे से अच्छे कलाकार जैसे हमारे आदित्य पांडे हैं, उनका भी हम कार्यक्रम करते हैं। और आपका धर्मेंद्र यानी धामू बाबू और भरत भोजपुरिया ऐसे स्टार का हम कार्यक्रम करते हैं, जो प्रोग्राम बड़े से बड़े हाई लेवल का प्रोग्राम हम करते हैं और छोटे से छोटे भी प्रोग्राम करते हैं। इसीलिए बेतिया का शान है, बेतिया का आन है, लाल बाबू साउंड सिस्टम, बाजार समिति रोड, बेतिया, बेतिया। और बताइए, आप साउंड सिस्टम कितने सालों से रखते हैं, कितने सालों से? मैं तो पहले छोटा साउंड सिस्टम रखे थे, बहुत गरीबी लाइन से हम गुजरे हुए हैं और उस मेरा साउंड का रेट बहुत कम था। चोंगा हम लोग बजाते थे, एगो दुगो माइक लगाते थे, तो छोटे से हमारे मोटा मोटी हम 30-35 बरस से साउंड का हम काम करते हैं, तब हम आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। वही इस मकाम पे आप पहुँचे? हाँ, जैसे मेरे पास JBL का बॉक्स है, L का बक्सा है। जो कस्टमर कहता है कि हमको ओरिजिनल JBL चाहिए, ओरिजिनल JBL, शार्पी लाइट, एक से एक पार लाइट और फ्लोर DJ जिसमें हर किसी का नाम लिखा जाता है, वो है मेरे पास। और बहुत दिनों से मैं साउंड बजाता हूँ, साउंड का कारोबार करता हूँ, इसी से मेरा बाल बच्चा जीता है, मेरा बाल बच्चा परिवार इसी से जीता है, 10-12 स्टाफ है इसी साउंड के कंपनी से जीता है। दूसरा मेरे पास खेती होती नहीं है, टाउन बेतिया शहर में घर है, कमाना है और खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंटरव्यू लेकर खुशी हुई। और कुछ बता सकते हैं आप, अपना नंबर, मोबाइल नंबर कौन? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7992335362। एक और नंबर है 8521174716। यही मेरा 2 नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक नंबर यही है। देख सकते हैं आप गाइस, इनका मोबाइल नंबर यही है और एक और है जो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। देख सकते हैं दोनों नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी भी गाने का रिकॉर्डिंग अगर आपको कराना हो तो कृपया इनसे संपर्क करें। बेतिया का टॉप 10 में एक इनका भी स्टूडियो आता है, आप लोग आके इनसे संपर्क कर सकते हैं और साउंड सिस्टम के लिए भी आकर संपर्क कर सकते हैं। सब साउंड सिस्टम यहाँ पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये गाइस देख सकते हैं आप, ये अंदर का नज़ारा है कैसा है। ये इनका माइक हो गया गाना गाने के लिए और ये इनका पूरा सेटअप हो गया, देख सकते हैं आप। तो गाइस, किसी भी गाने का रिकॉर्डिंग कराने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। हिंदी, भोजपुरी या रैप सॉन्ग या फिर कोई भी सैड सॉन्ग, जो भी सॉन्ग आपको पसंद है गाने के लिए, आप यहाँ पे आ सकते हैं। अंदर का देख सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत लोकेशन मस्त है। देख सकते हैं इनका माइक है और इनका ये हेडफोन्स है। और गाइस, कभी भी आपको किसी भी सॉन्ग, किसी भी प्रकार के गाना, एल्बम, कोई भी अगर वीडियोस भी रिलीज कराना हो तो आप आके यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी मिलाते हैं हम अपने ये लाल बाबू डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मैनेजर साहब से, थोड़ा उनसे भी कुछ पूछते हैं और जानकारी कुछ लेते हैं। सभी बिहार और बिहारी भाषा बोलने वाला के और हम लाल बाबू स्टूडियो में आई बनी, जौन की लाल बाबू भैया बनी, बहुत अच्छा नेक दिल इंसान बने और यहाँ से बहुत अच्छा अच्छा गाना रिकॉर्डिंग होला, भोजपुरी गाना, हिंदी गाना और सैड सॉन्ग से सब अति होला। रवा लुगिन जितना भी सिंगर बनी यहाँ आके अपन गाना रिकॉर्डिंग करा सकतनी, यहाँ बहुत अच्छा क्वालिटी से रिकॉर्डिंग होला और ऑडियो वीडियो सब बनेला और तुरंत नेट पर चढ़ा दे जला। रवन से विशेष प्रार्थना बा कि हमनी के गाना सुनी लोगे और हमनी के स्टूडियो के एग्रीमेंटल सिंगर बड़ी पूजा सिंह और मनोज लाल यादव, संदीप मिश्रा और यहाँ लोग आशीर्वाद दी आगे बढ़ाएं। तो एक बार और सेवा के मौका हमने के दौल जाओ और
ज़्यादा से ज़्यादा सिंगर हमनी के स्टूडियो में आके और हमनी के स्टूडियो के शोभा बढ़ावल जाओ। और वो में बहुत खुशी हुई कि हमने के स्टूडियो से और देश विदेश में और पूरे बिहार में नाम कमाई, हिंदुस्तान में नाम कमाई। ये हमार बहुत तहे दिल से प्रतिभा। पश्चिमी चंपारण बेतिया का स्थान सिंगर लेडी सिंगर पूजा सिंह जो आज पश्चिमी चंपारण की शान बनी हुई है, शिल्पी राजपूत पूजा सिंह बेतिया लाल बाबू स्टूडियो का सिंगर है, जो एग्रीमेंट की है। इनका गाना बहुत अच्छा अच्छा पॉपुलर हुआ है और हिट हुआ है और हमी के आशीर्वाद व हमी के सब भाई बहन के प्यार रही कि पूजा सिंह हिट होकर आ इनका भविष्य खुले, इनका रुआ लोग आगे बढ़ाई आ इनका गाना सुनी और इंजॉय करी लोग एलपी म्यूजिक प्रेजेंट से रुआ लोग के सुने के मिली। सब्सक्राइब करी, बेल बटन दबाई और फिर सब प्यार दी शिल्पी राज एक तरह रुआ लोग शिल्पी राज के प्यार दिले बनी। वही तरह बेतिया के सिंगर है पूजा सिंह जो लाल बाबू स्टूडियो में उनका एक सॉन्ग एक से एक दर्दनाक गाना गावत रही। ये हमारा बिहार के जनता से बिहार के सब भाई बहन से विनती बाकी पूजा सिंह के आगे बढ़ाई और लाल बाबू स्टूडियो का नाम रोशन होके वो गाना गोले बड़ी पूजा सिंह राहुल ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग हो ठंडा में अंडा खिया दा राजा जी तरी एक बार गाना रौरा लोग सुन के देखे मन की गाना कितना सुंदर और कितना बढ़िया लगा था। और एक गाना और गोले बड़ी साइड सॉन्ग गाना गोले बड़ी धड़केला बदन सनम वाला बहुत दर्दनाक गाना बा रुआ लोग सुनी। ढेर प्यार ढेर आशीर्वाद दी। प्रणाम नमस्ते जय बिहार जय बेतिया। आइटम लेकर चलते हैं आपको मिलाने हमारे स्टूडियो पर एक और कलाकार है जिसका नाम है पूजा सिंह। नमस्ते प्रणाम, हम सिंगर पूजा सिंह की प्रणाम गाइस। हम इनका वीडियो का और इनका चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पे जाके आप देख लेंगे इनका एलबी म्यूजिक प्रेजेंट चैनल जो है उसका लिंक हम दे देंगे और जितने भी सॉन्ग है उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक के लिए बाय।